हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा वेदिका कि आज हमारी सगाई हो रही है। यकीन कर लो साहिल, तुम कब से यही तो चाहते थे ना? हाँ वेदिका, ये हमारी नहीं हमारे दिलों की सगाई है। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम आज मेरी हो ही गई। जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। अरे अरे साहिल बाबू, होश में आइए, क्योंकि यहाँ सगाई तो हो रही है, लेकिन आपकी और वेदिका की नहीं, बल्कि वेदिका और यश की। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। जी हाँ, जी टीवी के सीरियल आपके आ जाने से में आज साहिल की आंखों के सामने ही लुट रही है उसकी दुनिया। पराई हो रही है वेदिका और इसी दर्द ने साहिल को बना दिया है दिल जला। पहले तो उसने इस रिश्ते को लेकर वेदिका को खरी खोटी सुनाई और फिर अपने दिल की आग से कर दिया इन तोहफों को जला कर खाक। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ऑफ कोर्स ही इज अपसेट और वो ड्रंक पहले भी हुआ है, उसको धक्के पहले भी पहुँचे हैं, बट आई थिंक दिस इज द एक्सट्रीम कि ही कंसिडर्स वेदिका हिज वाइफ और उसकी बीवी को किसी और के साथ देखे तो कोई भी इंसान पागल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हिज रिएक्शन इज। इस अनचाहे रिश्ते ने एक और जहां साहिल को बना दिया है दीवाना, तो वहीं वेदिका का हाले दिल भी उनका चेहरा बयां कर रहा है। वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए वेदिका ने इस रिश्ते के लिए कह दिया है हाँ। वो तो बस यही चाहती है कि किसी भी तरह कितना भी दुख पहुंचे उसे या साहिल को, वो दूर का देख रही है कि देन लेटर कितना टाइम रहेगा, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कितना रिएक्ट करेगा वो। फाइनली तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, टाइम हील्स। जी हाँ, वेदिका को लगता है कि उसका ये फैसला उसके और साहिल के लिए सही है और एक ना एक दिन वक्त साहिल के घाव को भर ही देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या फिर साहिल की दीवानगी लाएगी कोई नया ट्विस्ट? आज तक ब्यूरो।